आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जो एक पावरफुल मदर हैं, भरतनाट्यम नृत्यकी हैं, राइटर भी हैं और बॉडी बिल्डिंग में इंडिया को फॉरेन कंट्रीज में रिप्रेजेंट करने वाली फेमस बॉडी बिल्डर डॉक्टर रीटा जैरथ। नमस्कार, मैं मेघा दया और आप देख रहे हैं सृष्टि एक रचना। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटी डॉक्टर रीटा जैरथ। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका सृष्टि एक रचना में। सबसे पहले मैम अपना आपको इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज, अपने बारे में दो लाइनें बताइए। मैं डॉक्टर रीटा जैरथ हूँ। आई एम एन IFBB प्रो बॉडी बिल्डिंग एथलीट और IFBB प्रो लीग इंटरनेशनल जज। और मैं एक राइटर हूँ, मेरा एक बिजनेस है और मैं भरतनाट्यम करती हूँ, कलरीपयट सीखती हूँ और एक माँ हूँ। सो मैम इतनी सारी चीज़ें, फेमस तो होना ही है मैम, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। मैम ने इतनी सारी चीज़ें बताई, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम एक मदर है और उसके बाद मैम राइटर हैं। मैम लिखना कब से शुरू किया आपने? मैंने अभी कुछ साल ही हुए मेरे को खुद ही, जैसे कि मैं, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। मैं आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बॉडी बिल्डर्स इन वुमेन फ्रॉम इंडिया। तो मुझे लोग बोलते थे कि आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखो, अपने बारे में लिखो, ताकि कुछ नॉलेज की बातें लिखो, ताकि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले और उनको समझ में आए कि हमने कैसे इस इंडस्ट्री में चलना है। तो मैंने मैगजीन्स के लिए, 3-4 मैगजीन्स के लिए मैं लिखती हूँ। अब मैं अपनी बुक भी लिख रही हूँ ऑन कन्वर्जेंस ऑफ फिटनेस मोडालिटीज़। तो बस अभी मेरा ये फुल टाइम काम ही हो गया है। मैम आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली बॉडी बिल्डिंग की? मैं अपने बेटे को लेके गई थी वेट ट्रेनिंग कराने के लिए और बेटा मेरा ऑटिस्टिक चाइल्ड है और उनको जितना भी आप बच्चों को एक्सरसाइज कराएं और उनको स्टिमुलेशन दें, अवेयर और कॉन्शियस कराएं अपनी बॉडी का, तो उतना उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो तब मुझे बहुत ऑपोजिशन मिलती थी कि वुमेन को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं उसको प्रूव करने के लिए, मतलब क्योंकि मुझे बेटे को के लिए वहाँ रहना था, तो वो सस्टेन करने के लिए मैं आगे और बढ़ी और मैंने कम्पीट किया। तो बस अपने आप ही कहानी बनती चली गई। फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पर जाके बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी। मैम आपकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस रही। मैम आप बता रहे हैं भरतनाट्यम भी आप करते हैं, तो भरतनाट्यम की इंस्पिरेशन आपको कहाँ और कब से मिली मैम? मैं बहुत छोटी थी और मैं तमिलनाडु में रहती थी, मद्रास में। मेरे फादर एयरफोर्स में थे जो FIS में एजुकेशन का ध्यान रखते थे, जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल होता है फाइटर पायलट्स के लिए। तो वहाँ मैं देखती थी कि भरतनाट्यम बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगता था, बहुत सुंदर लगता था। हमारी एंशंट हेरिटेज है जिसमें बहुत विनय सहयोगा और मुद्राओं के बारे में है, हमारा कल्चर है, और मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि इतना खूबसूरत हमारा कल्चर है और मैं भी सीखूं इसको। तो वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया और बहुत साल मैं सीखती रही और कुछ टाइम के लिए उसमें एक पॉज लग गया था क्योंकि मेरी सर्कमस्टेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्योंकि मैं फिटनेस से जुड़ी हुई हूँ और भगवान की दया से मैं अभी भी कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं मेरी लाइफ में उसको मैं जहाँ तक हो सके पूरा ज़रूर करूँ। तो मैंने अभी पिछले 4-5 साल से इसको वापस परस्यू किया। आप कंटिन्यू हैं भरतनाट्यम। मैम जैसे आपने बताया कि आपके फादर एयरफोर्स में थे, तो आपका मन नहीं हुआ एयरफोर्स में जाने के लिए? आई वुड हैव लव टू। मैं एक अनकन्वेंशनल पर्सन हूँ बाय नेचर और मैं चाहती थी हमेशा कि जब भी मैं किसी लेडी को देखती हूँ कि वो शी इज़ ब्रेकिंग द बैरियर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम मेरी मदर को स्किज़ोफ्रेनिया था और वो बहुत बीमार रहती थी और बहुत चैलेंजिंग बचपन रहा मेरा, तो इसीलिए मैं उस टाइम कर नहीं पाई। इसीलिए आप भरतनाट्यम और बॉडी बिल्डिंग भी, आपको इंस्पिरेशन के बाद ही आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया। हाँ जी। तो मैम अभी जैसे दिल्ली में लॉकडाउन है, अभी कोविड वाली सिचुएशन आई है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में, आप कह सकते हैं फिटनेस के लिए? सबसे पहले तो क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हूँ और जो कॉम्पिटिटिव लेवल की बॉडी बिल्डिंग है, तो अभी तो शो ही नहीं हो सकते क्योंकि अभी जो कोविड की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शन है। बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में बहुत बड़े क्राउड्स आते हैं और अगर बॉडी बिल्डिंग का इवेंट होना भी हो तो उसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से होगी? तो जिम्स सब बंद हैं, सप्लीमेंट स्टोर्स बंद हैं, जहाँ भी जो भी करना हो इससे रिलेटेड बंद है। ये सिर्फ जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं वो अपने आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी अभी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हर तरफ से बंद है, बस हम यही कहते हैं कि अभी हम साइलेंट वॉरियर्स हैं, बस अपनी जर्नी जो है उसको परस्यू करके रखें और आगे जाके जब भी सब कुछ खुलेगा तो ज़रूर अच्छा होगा।
सो मैम, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी प्रतीक हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आप क्या कहना चाहती हैं? आप खुद ही एक इतनी बड़ी मिसाल है कि आगे जो लेडीज़ है जिनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, बट आपकी लाइफ आप बता रहे चैलेंजेस रही है, आपने बताया जैसे, तो उनके लिए क्या कुछ आप बोलना चाहते हैं? बस हर औरत जो है वो एक देवी का रूप होती है, हर औरत में दुर्गा है, तो अनअपोलोजेटिकली अपना जो हम चाहें अपनी पैशन को परस्यू करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई रोकता है तो उससे डरो मत, अपनी पैशन को फॉलो करते रहो और ज़रूर एक दिन आएगा कि सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। जब मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रही थी सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहे हो आप, एक्सरसाइज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब घर का काम करो अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन आज एक इतनी बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जब जो पहले कहीं थी ही नहीं और वुमेन का तो मतलब ही नहीं था। तो जो भी आप चाहो वो उस पैशन से एक पूरी भरी पूरी दुनिया क्रिएट हो जाती है। तो वही चीज़ मेरे बेटे में है। मेरा बेटा बोल भी नहीं सकता था आज, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, इनफैक्ट आज जैसा कि मैंने आपको बताया उसने फिफ्थ ईयर अपना म्यूज़िक का एग्ज़ाम दिया है। तो मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोई सपोर्ट कोई भी एक्सक्यूज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती, बस दिल में जज्बा होना चाहिए। एब्सोल्युटली मैम, मैम इंडिया का एक कल्चर बहुत ही अच्छा है कि लेकिन मैम पुराने ज़माने से और आज भी ये कहीं ना कहीं प्रथा है कि हमेशा लड़की को और औरत को ही सिखाया जाता है कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप आज सक्सेस हैं, आपके पीछे मैम आपको किसने सपोर्ट किया? आपका मैरिज, आपके हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया आपको? मुझे लगता है मैंने खुद को ही सपोर्ट किया, मैं ज़िद पर अड़ी रही। एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा समाज बेशक बहुत पीछे है वुमेन को एक्नॉलेज करने में, लेकिन जो हमारा कानून है, हमारा लॉ है, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट। कोई भी औरत अगर चाहे, अगर उसको घर वाले रोकते भी हैं तो उसको लीगली कोई रोक नहीं सकता। अगर वो चाहे कि मैंने करना है और वो दुनिया से लड़ जाए तो दुनिया उसका साथ देगी, क्योंकि मैम चैलेंजेस जरूर आए होंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए, ड्रेसेस में है ना, कॉस्ट्यूम्स में, तो हर तरफ से आते हैं। इवन हमारा ध्यान अगर पढ़ाई में रहता है तब भी हमें एक ऑपोजिशन मिलती है कि आप घर का काम क्यों नहीं ध्यान देते, मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते, आप अपनी पढ़ाई में क्यों ध्यान दे रहे, ये ऑपोजिशन आती है। लेकिन जब आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि जो भी हम कर रहे हैं कोई गलत काम नहीं है, एक बहुत पॉजिटिव काम, जब हम पढ़ रहे हैं तो वो सरस्वती की पूजा है, वो भी इंडियन कल्चर है। Absolutely. तो जब आप उसको अनअपोलोजेटिक बिल्कुल सोचना नहीं कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि ये गलत है, हमने अपनी जो राह है वो खुद बनानी है। तो वही, और ये विश्वास रखना कि समाज मेरे साथ है, मेरे अगेंस्ट नहीं है। जैसे ही हम अच्छा काम करेंगे और हमारी जो जर्नी है ये बहुत ग्लोरियस और बहुत विशाल, हमारी जो यात्रा है बहुत बड़ी यात्रा है, जब हमको ये विश्वास रहेगा तो हमको डर नहीं लगेगा किसी से, चाहे हमें कोई कितना भी हमें गलत बोले कुछ भी बोले। तो जब वो दिन आता ही है जब सारी दुनिया हमें मानती है, और इंडिया एक्चुअली इस मैटर में अगर ध्यान से सोचें तो बहुत आगे बढ़ चुका है। एब्सोल्युटली, तो ये रियलिटी है, ओलंपिक्स हो या नेशनल चैंपियनशिप हो या बॉडी बिल्डिंग हो, कोई भी फील्ड हो, तो बेटियां ही भारत का नाम रोशन करती हैं और करती आई हैं। तो मैम साक्षात मिसाल हैं बेटी, क्योंकि मैम भी भारत की बेटी हैं और मैम ने आज बॉडी बिल्डिंग को इंडिया से बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैम किस किस कंट्री में आपने रिप्रेजेंट किया है अब तक इंडिया को? बहुत, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी तो इंडिया में नहीं थी, तो सबसे पहले मैं US गई थी। बहुत सारे कॉम्पिटिशन मैंने NPC में जीते, US के अलग अलग स्टेट्स में। फिर मैं हांगकांग गई, एशिया में आर्नोल्ड क्लासिक एशिया मैंने जीता था इंडिया के लिए। फिर मैं प्राग चेकोस्लोवाकिया गई, मैड्रिड गई हूँ, बार्सिलोना, सैन मेरिनो इटली, तो बहुत सारी कंट्रीज़। शायद अब कोई इतना जाएगा भी नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अब इंडिया में शोज़ हो गए हैं, पहले इंडिया में शोज़ नहीं होते थे। तो मैं, मेरे फादर के का कोई बेटा नहीं था, ये एग्ज़ाम्पल मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि उनका जो, मुझे लोग बोलते थे कि आपके फादर का नाम तो आगे नहीं जाएगा, तो मैंने अपने फादर का सरनेम वापस अपनाया है, और सो दैट उनका नाम जो है कि अगर बेटी हो तो क्या हुआ, उनका जो ये जो सरनेम है वो मेरे फादर का नाम था, वो भी रोशन रहना चाहिए, वाई नॉट। तो डेफिनेटली जो है वो लड़कियां एसेट हैं पेरेंट्स के लिए, एंड मैं ये मानती हूँ कि माय फादर लिव्स थ्रू मी। ये सोच मैम बहुत पीछे हो चुकी है, एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि जो पेरेंट्स का सरनेम होता है वही हमें आगे पहुँचाता है, सक्सेस हमें वही दिलाता है, लाइफ पूरी चैलेंजेस से रही है। मैम कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बस मेरा यही मैसेज है कि अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखो। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो सिर्फ ये बात नहीं है कि आप देखने में अच्छे लगोगे, कि आप
60 के होके भी अच्छे लगोगे, देखने का में आप कैसे लगते हो वो एक टाइम के बाद मैटर नहीं करता, आपके अंदर की शख्सियत मैटर करती है, लेकिन आप क्या कर सकते हो वो मैटर करता है। अगर आपको चाहे अपने परिवार की सेवा भी करनी हो अपने मरते दम तक, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हो, बड़ों का ध्यान रख सकते हो, सेवा कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, और अपनी भी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स हैं कि आप आपकी कुछ हॉबीज़ हैं जो आप नहीं कर पाए वो आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद परस्यू कर सकते हो, जैसे मैंने भरतनाट्यम को किया। आप किसी भी स्टेज पे लाइफ के कुछ भी करना चाहो, क्योंकि ये लाइफ बहुत कीमती है, ये जीवन वापस नहीं मिलेगा, तो हम किसी भी स्टेज पे कुछ भी करना चाहें ये हम कर सकें, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी हेल्थ है। नहीं तो हमारे अंदर बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं, बहुत हमारा दिमाग बहुत चलता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता हर स्टेज पे, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। यस मैम, इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे भी आप ऐसे ही अचीवमेंट्स इंडिया के लिए और आने वाले लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार मैम, मेघा दया, आप देखते रहिए सृष्टि एक कृष्णा।